आप भी कहोगे भाई कि भाई डिजिटल कोच सुनील चौधरी तुम टेक्नोक्रेटी के पीछे क्यों पड़ गए हो। तो मेरे पीछे पड़ने का कोई इरादा भी नहीं है, मैं सिर्फ मेरे दिल में जो बात आ रही है वो आप तक पहुंचा दूं, कोई पीछे पड़ने का इरादा नहीं है। टेक्नोक्रेटी एक यूट्यूबर है, एक ब्लॉगर है, जर्मनी में रहता है, हरियाणा का रहने वाला है, और भाई ने अपनी जो छवि है ना वो ऐसी बना रखी है जैसे कि वो का भगवान का अवतार है भाई, सच का अवतार है, झूठ बोलेगा नहीं, और सारी सच्चाई, सारी जो एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, सिर्फ ध्रुव राठी के पास है और किसी के पास नहीं। और भाई झूठ बोलता है, और इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत बड़ा झूठ ध्रुव राठी का। झूठ तो झूठ होता है भाई, ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि वो झूठ वास्तव में झूठ है या नहीं है। वो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं एक झूठ ध्रुव राठी का इतना बड़ा रिवील करने वाला। अभी तो ब्राटी कहता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी है, नरेटिव कर रही है, किसी के खिलाफ जा रही है, राइट, बाकी सब लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैंने जो वीडियोस देखी है तरुण ब्राटी की, देखा है कि वो भाई भी एक ही पार्टी के खिलाफ अटका हुआ है, वो भी न्यूट्रल होकर अपनी बात नहीं कह पा रहा है। यहाँ पर एक बात, बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं मैंशन करना चाहता हूँ। उसकी वीडियोज में क्या आता है कि एनालिसिस आता है, बुराई करता है किसी चीज की, पर्टिकुलर बुराई करता है, ऐसी चीजों की बुराई करता है जो शायद बुरी है, जो शायद बुरी। फॉर एग्जाम्पल, एक सड़क है और उसके ऊपर कीचड़ है, कीचड़ भरा हुआ है। मैं कह रहा हूँ यार ये सड़क तो बहुत बुरी है, कीचड़ भरा हुआ है, बट इस पूरे सिस्टम में, पूरे वाकये में मैंने बोला सड़क पर कीचड़ है, कीचड़ में पानी, सड़क पर कीचड़ है और बहुत गंदा है, स्थिति बहुत खराब है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नेगेटिव चीज के ऊपर फोकस किया। कभी भी हम जब नेगेटिव चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स कभी नहीं आते, दैट इज द मेन थिंग। मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था दुर्गाटी के लिए, भाई पॉजिटिव चीज बोलो, करना क्या है वो बोलो। वो ज्यादातर नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है, नेगेटिव चीजें हाईलाइट कर रहा है, तो लोगों के दिमाग में क्या जाएगा, नेगेटिव। वो गांधी जी का एग्जाम्पल बार बार देता है, यहाँ पर कुछ लोग बुरा मान सकते हैं मेरी बात का, आई हाईली रिस्पेक्ट गांधी जी, बट गांधी जी ने जो बोला, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं, बिल्कुल गलत बोल के गए और इससे देश को नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। अगर वो इसकी जगह ये बोल के जाते, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने घर में बड़े होते हैं तो हमें माता पिता हमारे बोलते हैं कि भाई सिगरेट मत पीना, बीड़ी मत पीना, दारू मत पीना, लड़की मत छेड़ना, यही बोला जाता है। जबकि बोला ये जा सकता है कि आप दूध पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान कीजिए, इस तरह का शब्द बोले जा सकते हैं, और इनका बहुत फर्क पड़ता है। और जब हमारे घर वाले हमसे कहते हैं भाई सिगरेट मत पीना, तो बच्चे के दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है और वो सिगरेट जाके पीता दोस्तों। लड़की मत छेड़ना, तो उसको एक आइडिया दिया गया कि लड़की छेड़ना, वो लड़की छेड़े हुए जाते, उसको बोला जाए कि लड़कियों का सम्मान करो तो उसका दिमाग वहां काम करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी फीड होती है और नेगेटिविटी भी फीड होती है। ध्रुव राठी का जो चैनल है वो एनालिसिस बहुत करता है, लॉजिकल बातों पर बहुत करता है, बट उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव चीजों को हाईलाइट करता रहता है, हाईलाइट करता रहता है। तो खुद उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसने अपने दिमाग को कैसे ट्रेन किया पता नहीं, क्योंकि उसके तो करोड़ों सब्सक्राइबर हो गए, वो बहुत पैसा कमा रहा है, तो उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया हुआ है। बट आप उसका चैनल देखते हो तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी फीड होती रहती है, मेरे दिमाग में नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग अपने दिमाग पर काम कर रहे हैं। तो आप अगर कॉन्शियसली अपने दिमाग पर काम कर रहे हो तो नेगेटिविटी फीड नहीं होगी आपके माइंड में, बट आपको उस नेगेटिविटी को फीड नहीं करना, आपके दिमाग में फीड करना है कि लोग अच्छे हैं, पार्टियां अच्छी हैं, देश अच्छा है, प्रकृति अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और मुझे अच्छा करना है, ये फीड करना है आपको अपने दिमाग में, नेगेटिविटी फीड नहीं करनी। ध्रुव राठी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मुझे ध्रुव राठी से आपत्ति यही है कि उसको पॉजिटिविटी फीड करनी शुरू करनी चाहिए। ही कैन इम्पैक्ट बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ही कैन मेक ग्रेट चेंज, द वे ही स्पीक्स इज वेरी गुड, बढ़िया बोलता है। अब ध्रुव राठी के झूठ के बारे में बोलता हूँ, वो भाई कहता है कि मैं सत्य का देवता हूँ, सत्य का अवतार हूँ, ऐसा नहीं है, वो झूठा है, एक नंबर का झूठा है, ये आप लिख लो। और झूठ ये है कि वो हर वीडियो में झूठ बोलता है, ज्यादातर वीडियो में झूठ बोल के गया भाई पिछले 1-2 साल में था। अब देखो झूठ क्या है, अब आप कहोगे झूठ नहीं है भाई, झूठ तो झूठ होता है, इंटेंशन का पता चलता है इससे, झूठ तो झूठ होता है। वो हर वीडियो में बोल के जाता है कि कुकू FM पर सुनिए जाके, ध्रुव 50 कोड इस्तेमाल कीजिए,
इस बार आपको डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ पहले 1,000 लोगों के लिए। भाई सही में बिप को बना रहा है, तेरे चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं, सिर्फ 1,000 लोगों को कुकू एफएम क्यों देगी ऑफ? और फिर हर वीडियो में, मतलब तेरी वीडियो को अब तक कम से कम 20 करोड़ लोग देख चुके हैं पिछले 1 साल में, तेरे अभी 1,000 लोग पूरे नहीं हुए। ये बिप को बनाना बंद कर भाई दुर्गराठी, झूठ बोलना बंद कर और खुद को 100% परफेक्ट बोलना बंद कर। बोलता नहीं है, दिखाता है, दिखाने की कोशिश करता है। सो ठीक है तुम एक पार्टी के खिलाफ हो, ठीक है सब कुछ, बट यू कैन ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव एंड मोर कंस्ट्रक्टिव इन योर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।